सबको नमस्कार। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है, अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है, अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में, सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। इस महामारी से दिल्ली में रोजाना 350 से 400 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इस बीच कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान आपको बता दें दिल्ली मेट्रो सेवा निलंबित रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया है कि दिल्ली में लॉकडाउन 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली मेट्रो सेवाएं निलंबित रहेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लॉकडाउन में सख्ती रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी ढिलाई देने का समय नहीं है, अगर दिया गया तो हालात खराब हो जाएंगे, इसलिए लॉकडाउन अगले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें दिल्ली में लागू लॉकडाउन की अवधि अगले सोमवार 17 मई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की दर 26 अप्रैल को 35% थी, जो पिछले कुछ दिनों में गिरकर 23% हो गई है। राजधानी में कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन की अवधि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बढ़ानी पड़ रही है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।